हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट इसका हो चुका है, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट आप इसके नीचे वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक, डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड देखो, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पीक यू आर। पीक यू आर का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। इफ सी इज द ओरिजिन, अब क्या मानना है, सी को आप ओरिजिन मानना है, ओके। आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन ईच केसेस, व्हाट डू वी यू ऑब्जर्व, ओके। तो आपको क्या पता चलेगा, ओके। देखो इसके पहले वाला, इसका फर्स्ट वाला क्या बोल रहा था, टेकिंग ए एस ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, उसके बाद एरिया निकालना था। तो देखो फर्स्ट का आंसर कुछ ऐसे था, आप लोग देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट का आंसर कुछ ऐसे ट्रायंगल दे रखा था आपको, ए आपका खेत था, ठीक है, आपका रेक्टेंगुलर फील्ड था, इसमें एक ट्रायंगुलर शेप दिया था। उसके बाद इसका आपको पॉइंट पूछा था, कोऑर्डिनेट कितने होंगे, और होंगे तो इसके बाद इसका एरिया निकालना था। तो देखो टेकिंग ए एस ओरिजिन, ए को हमने ओरिजिन लेके, ठीक है, इसके बाद हमने इसका इसका और इसका कोऑर्डिनेट बताया था। तो कोऑर्डिनेट आया था 4.6, 3.2 एंड 6.5, और उसके बाद इसका हमने एरिया निकाला था। तो एरिया कितना आया था, देखो 9.2 स्क्वायर यूनिट आया था, ओके। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखो, देखो 9.2 स्क्वायर यूनिट आया था। इसी का सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा, आल्स व्हाट विल बी द सी, अब क्या है, सी एज द ओरिजिन लेना है। तो देखो जब आप कुछ ऐसे फिगर दे रखा है आपको, ठीक है, ऐसे जब आप फिगर दे देखोगे तो आप लिखो टेकिंग, कुछ स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे, लिखो टेकिंग, देखो टेकिंग सी एस, टेकिंग सी एस ओरिजिन, ठीक है। जब आप सी को ओरिजिन ले लोगे तो सी बी की क्या हो जाएगा, आपका एक्स एक्सिस, तो सी बी क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ओके। और नाइन सी और डी क्या हो जाएगा, सी डी विल बी वाई एक्सिस, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, आपको पी क्यू और आर का कोऑर्डिनेट बताना है। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा। देखो पी का कोऑर्डिनेट आपको पता करने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे काउंट करो, कितना है, 1, 2, 3, 4, अच्छा आप नंबरिंग दे लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 and 13, ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 13 तक, ठीक है। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 12, तो ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो x एक्सिस इसका हो जाएगा 12, और y एक्सिस काउंट कर लो, y एक्सिस देखोगे तो देखो इसका y एक्सिस समथिंग लाइक कुछ करोगे ऐसे, तो y एक्सिस कितना आएगा, साइड 2 पे आएगा, तो 11.2 हो जाएगा, सॉरी 12.2 हो जाएगा। अब क्या आपको निकालना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P हो गया, अब Q को निकाल लो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, ओके। ये कितना हो जाएगा, Q का जब निकालोगे तो देखो 12 तक तो इसमें आ गया था, अब 13 वाला इसमें आ जाएगा, देखो ए वाला यहाँ से ये यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, ओके। तो इसका जो x एक्सिस होगा वो कितना होगा, 13 होगा। y एक्सिस कैसे निकालोगे, y एक्सिस आप ऐसे करके देखो, वो y एक्सिस कहाँ जा रहा है, कुछ ऐसे करोगे तो 6 पे आके मिलेगा, तो y एक्सिस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ओके। अब क्या निकालना आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r का बता दो आप। r का जब निकालोगे तो देखो r कहाँ है, यहाँ है ना, तो r इस पे आओ, देखो r कहाँ पे आएगा, जब ऐसे आओगे r को जब ऐसे करोगे तो देखो कहाँ पे जा रहा है, लगभग 10 पे जाएगा, ओके। 9 के बाद ये कितना है, 10 है, ये 10 पे आ रहा है, तो r का कितना हो जाएगा, 10,
इधर आओ, y पे आओ, r y पे कहाँ आएगा? देखो y पे जब आओगे r, ठीक है, तो ऐसे कुछ करोगे तो r कहीं आएगा, ऐसे करोगे तो 3 पे आएगा, ठीक है, तो 10.3 हो जाएगा। ओके नाउ अब आपको क्या करना है, अब आप लिखो एरिया, एरिया एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू और आर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट एक्स वन ब्रैकेट, ठीक है, वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू ब्रैकेट वाई थ्री माइनस वाई वन, ओके, प्लस एक्स थ्री ब्रैकेट वाई वन माइनस वाई टू, ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आप यहाँ पे सबका वैल्यू रख दो, ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा ब्रैकेट, एक्स वन की वैल्यू कितनी है देखो, ये क्या है एक्स वन वाई वन, इसको मान लो एक्स वन और वाई वन, ये कितना हो जाएगा एक्स टू एंड वाई टू, ये कितना हो जाएगा एक्स थ्री एंड वाई थ्री, ओके, तो एक्स वन की वैल्यू बताओ, एक्स वन की वैल्यू कितनी है 12, तो आई विल पुट हियर 12। अब क्या करना, वाई टू माइनस वाई थ्री, देखो वाई टू कितनी है 6, तो देखो यहाँ 6 माइनस वाई थ्री कितनी है 3, तो आप लिखो 6 माइनस 3, प्लस एक्स टू कितनी है, एक्स टू सर 13, ओके, तो यू विल पुट हियर 30। नाउ वाई थ्री कितनी है, देखो वाई थ्री कितनी है 3, तो आप रखो 3 माइनस वाई वन कितनी है, वाई वन है 2, तो आई विल पुट हियर 2, प्लस एक्स थ्री कितनी है, एक्स थ्री देखो 10 है, तो आप लिखो यहाँ 10 ब्रैकेट, वाई वन कितनी है, वाई वन डेट इज 2, तो आई विल पुट हियर 2 माइनस वाई टू कितनी है, वाई टू सर 6 है, तो आई विल पुट हियर 6, ओके, ब्रैकेट क्लोज। नाउ व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 12, ओके, 12, 6 माइनस 3 डेट इज 3, ओके, नाउ प्लस 13 इंटू 3 माइनस 2 डेट इज यू विल गेट 1, प्लस 10 और 10 माइनस 4, ओके, देखो 10 एंड 2 माइनस 6 डेट इज माइनस 4, तो यू विल गेट माइनस 4, ओके, नाउ 1/2 ब्रैकेट 13, 12 थ्री जा 36, ओके, आई विल पुट हियर 36, प्लस 13, ओके, अब माइनस, ओके, प्लस अब माइनस भी जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में आएगा, तो हमने माइनस लिख दिया। अब देखो 10 इंटू 4 डेट इज 40, अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप इसको इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6 एंड 3 डेट इज 9, तो 1/2 ब्रैकेट 6 एंड 3 डेट इज 9, ओके, नाउ 3 एंड 1 डेट इज 4, 49 माइनस 40, ओके, अब इसके बाद आपका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर 1/2 इंटू 49 माइनस 40 डेट इज नथिंग बट 9, ओके, 9 विल गेट मल्टीप्लाई इंटू द 1 डेट इज 9/2, ओके, 9/2 स्क्वायर यूनिट, ओके, अब देखो अब हमने सेंटर चेंज किया तो आंसर कितना है 9/2 स्क्वायर यूनिट, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हम सेंटर ए लिए थे तो आंसर कितना था 9/2 स्क्वायर यूनिट, ओके, तो आपको इसमें लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना यही है कि देखो लिखो इन बोथ द केस वी कैन ऑब्जर्व डेट द एरिया ऑफ ट्रेंगल इज सेम, एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या है सेम है, ओके, तो थैंक यू क्लास।